भाजपा ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चुनाव आयोग से बेनीवाल के भ्रष्ट आचरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की भाजपा ने। नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में बेनीवाल को नोट देते हुए दिखाया गया। एक समारोह में कुछ महिलाएं मंगल गान कर रही थी, तभी बेनीवाल ने कलश में 500 रुपए डाले। बीजेपी का आरोप है अब कि अवैध भ्रष्ट तरीकों से मतदाताओं को प्रभावित करने का एक खुला प्रयास है, स्पष्ट प्रयास है, ये निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों के विरुद्ध है। आयोग से बेनीवाल के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की गई है। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवा दी है अब हनुमान बेनीवाल के खिलाफ, क्या ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्या मामला लेकर हनुमान बेनीवाल नोट भी लहराते हुए नजर आ रहे हैं विष्णु इस तस्वीर में? बिल्कुल सुमित जी, जब हनुमान बेनीवाल एक चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां कुछ महिलाओं ने उनका स्वागत सम्मान किया। मंगल गीत गाते हुए जब वो कलश लेके आगे आई तो हनुमान बेनीवाल ने उस कलश में 500 का नोट डाला, क्योंकि एक परंपरा है राजस्थान में कि कोई भी अगर स्वागत सम्मान करते या इस तरह से मंगल गान होते हुए तो उस कलश में राशि डाली जाती है। लेकिन चुनाव चल रहा है, चुनावी आचार संहिता है, ऐसे में राशि नहीं डाली जा सकती, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वहां 500 रुपए का नोट डाला। ये वीडियो वायरल हो रहा था। इस दौरान बीजेपी ने यहाँ मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की और कहा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट आचरण है वो यहाँ साफ दिखाई देता है। मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप उन्होंने लगाया है और इसको लेकर शिकायत की है। अब चुनाव आयोग पे निर्भर करेगा कि वो क्या कार्रवाई करता है, किस तरह से कार्रवाई करता है, ये अब निर्भर करेगा उस पर, चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी पर कि वो किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है कि इस तरह का, क्योंकि चुनावी जो समय है इस दौरान अगर मतदाताओं को कुछ भी प्रलोभन दिया जाता है तो वो एक चीज है, वो सामने आ रही है और ये सामने साफ साफ वीडियो देगा। अब इसके आधार पर निर्भर करता है कि चुनाव अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। उन्होंने मांग की है कि उसको निर्वाचन उसको लेकर। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।